एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मीन्स 5-6 दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, थोड़ी सी तबीयत जो है ना ठीक नहीं लग रही थी। और बच्चों का जो है हॉलीडे हो रखा है, तो पूरा दिन जो है ना वो परेशान करते रहते हैं, तो मैं थक जाती हूँ, तो फिर मैं नहीं बना पाई। ये देखिए, ये जो है मेरे कपड़े पहन के, ये तो अभी जो है हम लोग 2 दिन पहले जो है लुलू गए थे, तो मैं वहां से कुछ लेकर आई, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये मैं ट्रॉली लेकर आई हूँ, तो ये जो है ना 3 का सेट है, तो हमें थोड़ा सा मेरा जो पहले का जो भी बैग जो है ना, वो पहले का जो भी ट्रॉली है ना, वो थोड़े से खराब हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूज कर रही थी, वो 7-8 सालों से जो है ना वही यूज कर रही थी, तो सोची इस बार नया ले लूं। तो ये 3 का सेट है, और मैं ये लेकर आई हूँ वॉल सेल्फ, लेकर आई हूँ वॉल सेल्फ जो होता है ना, वो ये 3 का है, तो मैं जब लगाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी। तो ये लेकर आई हूँ, ये सेल्फ का लेकर आई हूँ, तो जो है ना इस टाइप का आएगा, एक सेकंड, ये इस टाइप का आएगा, ये इस टाइप का आएगा, देख रहे हो ना इस टाइप का। तो ये लेकर आई हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके मैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना मैं लेकर आऊंगी, तो जब मेरा एक बार में जो तो फिर जब मेरा घर जो है अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा, फिर मैं आप सबके साथ होम टूर करूंगी। तो बस एक सेकंड, तो बस यही सब छोटी छोटी चीजें जो है इकट्ठे कर रही हूँ मैं, ये काट दीजिए ना, और ये अन्ना, क्या अन्ना को क्या बोलने हैं। तो बस यही है, तो यहाँ पे जो है मैं ये लहसुन, मिर्ची और अदरक, इन सबको मैं कूट लूंगी। मैं इसका पेस्ट नहीं बनाऊंगी, मैं इसको अच्छे से इसमें कूट लूंगी। बस ये यहाँ पे हो गए, तो मुझे पनीर भुर्जी बनानी है, तो मैं इसको जो है ना पनीर को हल्के 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 जो है ना हाथों से ही तोड़ लूँगी, कद्दूकस नहीं करूँगी। कद्दूकस करने से क्या होगा ना, ये पूरा जो है ना पाउडर की तरह बन जाएगा, मीन्स कि वो थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना वो हलवा की तरह हो जाएगा, तो इसके लिए मैं हाथों से ही थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको तोड़ लूँगी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए रेडी हो गई है, देखा। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए, थोड़े से तेल मैंने डाले हैं, उसमें तेल जो है गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी जीरा एंड एक बड़ी इलायची डालूँगी, उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को जो है आपको सॉफ्ट करना है, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ब्राउन करना है, बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें जो मैं ये डाल दूंगी अब इसमें मैं, और ये मिर्ची जो है ना तीखी वाली है, बस अदरक लहसुन को भी अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। आप चाहो तो इसमें रेडीमेड भी डाल सकते हो, मैं इसमें ये कूट के डाली हूँ, तो इससे जो है ना इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे जो है ये फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये, यहाँ पे मैं एक बड़े टमाटर को मिक्सी में इसको पीस ली हूँ, तो ये मैं डाल रही हूँ अभी। जब आपका जो है ना कुछ मन ना हो रहा हो बनाने का, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, पनीर भुर्जी जो है बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो बस
आज हमारे घर में भी यही बन रहा है, तो मैं सोची चलो आपके साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जो है जीरा पाउडर डालूँगी मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ये जो है ना मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी मैं। बस इन सबको मिक्स कर लेना। अभी जो है मैंने जो है इसमें सॉल्ट डाले नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। आप चाहो तो कटी हुई टमाटर डाल सकते हो, बट इसका जो है ना मैंने इसमें जो है मिक्स में पीस कर डाले हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी होगी एंड कलर भी अच्छा सा आएगा। तो बस मसाले को जो है अच्छे से फ्राई करूंगी मैं 5 से 7 मिनट के लिए, इसको जो है ना अच्छे से फ्राई करूंगी मैं। थोड़े से जो है मैं यहाँ पे मटर डाल रही हूँ, तो ये जो है ना फ्रोजन वाले हैं, तो ये जो है जल्दी से पक जाते हैं। तो बस हमें इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस मैं इसमें डाल दूंगी वाटर, मैं थोड़ी देर उबाल आने देते इसको, ढक देती हूँ मैं। तो ये देखिए, तो बस इसमें जो है मैं ये पनीर जो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें जो है मैं अभी सॉल्ट नहीं डाली, तो मैं सॉल्ट डाल दूंगी इसमें। बस इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी गरम मसाला। अब चाहो तो इसके ऊपर धनिया पत्ता या फिर कसूरी मेथी डाल सकते हो, बट मेरे पास धनिया पत्ता है नहीं तो मैं नहीं डालूंगी। मैं ऐसे ही इसको ढक देती हूँ। ये बन चुका है ये। तो आप चाहो तो सर्व करने से पहले ये जो खड़े मसाले हैं ना उसको आप निकाल भी सकते हो। कलर तो बहुत ही यम्मी आया है, देखते खाने में कैसे बना है, कैसा बनाइए। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रेड चीज़ पकौड़ा बनाना है, तो मैं यहाँ पे आलू फ्राई करी हूँ, थोड़ा सा चीज़ रख ली हूँ और साइड साइड जो है ना ये ब्रेड का जो मैं कट करके हटा दूँगी। तो बस इसमें चीज़ और आलू डाल करके फ्राई करना है। तो बस इसको जो है ना हल्का सा पानी में ब्रेड को जो है आपको डिप करना है एंड इसको इससे जो है ना पानी इसको अच्छे से निकाल लेना है ब्रेड से। देन उसके बाद आपको इसमें आलू डालना एंड आलू के अंदर थोड़ा सा जो है ना चीज़ डाल देना। तो बस इसको जो है ना खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो वो ये देखिए, ये मैं इसमें आलू डाल दूँगी और उसके अंदर जो है ना मैं चीज़ भी डाल दूँगी। और मैं यहाँ दो बड़े बनाऊँगी, बड़े साइज़ में दो बनाऊँगी, एक कन्नी और एक पीहू के लिए, क्योंकि उन दोनों को थोड़े से बड़े बड़े खाने हैं। तो वही मैं बनाऊँगी, दो बड़े बना दूँगी उनके लिए। तो बस ऐसे ही सारे जो है मैं बना लूँगी। तो ये देखिए, बस ये शाम का जो है स्नैक्स बन रहा है, रेडी हो रहा है।
और इसके साथ चाय या फिर अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स भी रखा हुआ है तो देखेंगे चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो पता नहीं है, पूछूंगी जो पी ले। तो बच्चे तो इसके साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे एंड हस्बैंड से पूछूंगी वो चाय लेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो वो ले लूँगी मैं भी और चाय लेंगे तो वही मैं ले लूँगी, जो वो लेंगे वो मैं ले लूँगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. तो ये देखिए उधर एक प्लेट में रखा हुआ है और इधर भी बन रहे हैं, तो बस इसको खाकर हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा पार्क, बच्चों को लेकर पार्क जाना है तो बस यही खाकर हम लोग निकल लेंगे पार्क। तो बस एक प्लेट में जो है ना ये सेजवान चटनी है और एक प्लेट में जो है वो टोमेटो सॉस है। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। वेदर जो है बाहर का भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, अब बिल्कुल भी गर्मी जो है ना बिल्कुल भी नहीं लग रही, इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो अभी दोनों को लेकर आई हूँ मैं पार्क में, बिहू को लेकर वो झूले के पास गए हैं एंड सॉरी अन्नी को लेकर वो हस्बैंड जो है झूले के पास लेकर गए हैं और मैं यहाँ पे अन्नी को लेकर क्यों तो मैं अभी बिहू को लेकर स्केट्स के लिए आई हूँ, बहुत दिनों के बाद कर रही है वो आज आराम से। कल चले जाना उधर, नहीं हुआ ये वाला होगा मेरे से, आई कौन सा ये क्या करना है कर लो, ये तो इजी है। अब मैं इसे ऊपर जाऊंगा। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग पिज्जा लेकर आए थे, तो ये देखिए कितना बड़ा पिज्जा है, 1 मीटर का ये घटा होता था। तो गार्लिक ब्रेड, ये गार्लिक ब्रेड लेकर आए थे और पिज्जा लेकर आए थे, तो आज का डिनर हमारा यही है। तो ये देखिए कितना बड़ा पिज्जा है, 1 मीटर। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हाँ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।